श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुका। भगवान व्यास जी कहते हैं, हे रसिक जन, हे भावुक जन, भगवान के चरित्र के पवित्र रस को आखिरी सांस तक पान करते रहो। जीवन के अंत तक भक्त भगवंत चरित्र का रस पान करो, इसी से कल्याण होगा। अब जब भक्त का चरित्र आप सुनेंगे तो भगवान का चरित्र अपने आप आ जाएगा, और भगवान का चरित्र श्रवण करेंगे तो भक्तों का चरित्र अपने आप आ जाएगा। इसलिए भक्त भगवंत चरित्र साथ में ही चलते हैं। कल आप श्रवण कर रहे थे भक्तों, कोकिल साई ने बताया किस प्रकार से रांका बांका के वात्सल्य के सम्मुख कन्हैया उनकी गोद में बैठ करके लीला करते हैं, और यहाँ तक कि रस की अभिवृद्धि के लिए नामदेव की हल्की सी शिकायत भी कर देते हैं तो राका बाका नामदेव के ऊपर नाराज होते हैं। ऐसा भक्तों के प्रेम के रस का रसास्वादन प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण स्वयं प्राप्त करते हैं। और इसी क्रम में एक भक्त ने अपने साईं जी से कुछ पूछा तो साई जी बैठे हुए थे उस समय एक नहर के तट पर सिंध में, तो अकारण कृपालु साई भगवान के रस में पूरे के पूरे निमग्न, लेकिन भक्तों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, इसलिए बिना कारण कृपालु साई नहर के तट पर जमे हुए सत्संग में एक भक्त को संबोधित करते हुए कहा। साईं जी ने कहा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का भगवान श्री रामचंद्र जी में कैसा अगाध अनुराग है, वे झूम झूम कर सूरदास जी के भाव में गा रहे हैं। तुलसीदास जी गा रहे हैं सूरदास के भाव में, मोहितो सावन के अंधहि ज्यो सूझत हरो हरो। उनकी रंग रंग में, दिल दिमाग में, रग रंग में, दिल दिमाग में प्रभु का सांवलापन भर गया है। भक्तों, भगवान का सांवलापन कोई कालिमा श्यामता नहीं होती, वो एक अद्भुत ही श्यामता होती है, उसको नीलिमा भी आप कह सकते हैं। और वो मन में, हृदय में भरा हुआ, श्री भक्त कोकिल जी ने अंजीर की वृक्षावली को अशोक वन देखते हुए भावमग्न होकर कहा। जहां बैठे थे ना वहां अंजीर के वृक्ष थे, उनको देख करके अशोक वन के भाव में हो गए। वो एक ऐसे संत शिरोमणि हैं जिनके रोम रोम में, रेशे रेशे में, दिल दिमाग में प्रभु का सांवरापन न समाकर बाहर छिटक जाता है और हरियाली कर देता है, जिसे बहिर्मुख लोग भी प्रत्यक्ष देखते हैं। बताओ संत शिरोमणि कौन है? कोकिल साई ने बड़े भाव से भर करके कहा था कि बताओ संत शिरोमणि कौन है। श्री भक्त कोकिल जी के सत्संग में ऐसा होता है कि एक सत्संगी ने अपने मन में किसी भक्त का नाम लिया और दूसरे सत्संगी से पूछता है कि मेरे मन में किसका नाम है। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर,
आज भक्तमाल के भक्तों के नाम लेते हुए किसी ने बुझ लिया तो ठीक है, नहीं तो पहली बुझाने वाले को ही आखिर में बताना पड़ता है। जब कोई नहीं बता पाया नाम, तो जो पहली बुझाने वाला उसी को नाम बताना पड़ता है कि किसका नाम है मन में। इसमें अनेक संतों और साथ ही उनके चरित्र का स्मरण हो जाता है, क्योंकि संतों का चरित्र और संतों का नाम, संतों का स्मरण प्रभु को बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान भी संतों भक्तों का चरित्र श्रवण करते हैं। जब श्री भक्त कोकिल जी ने पूछा कि ऐसा संत शिरोमणि कौन है, तब किसी ने श्री महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, किसी ने श्री जयदेव, किसी ने श्री हित हरवंश और किसी ने श्री हरिदास जी का नाम लिया। तो स्वामी जी ने कहा, नाम अभी और है, इनसे भी बड़ा है, इनसे भी बड़ा है। अब महाराज तो भक्त लोगों ने कहा, महाराज तब कौन है, वह आपकी कृपा करके बताइए। हम लोगों ने तो अपनी समझ से बहुत बड़े बड़े भक्तों का नाम लिया। तो भक्तों का प्रेम पूर्ण आग्रह देखकर श्री कोकिल साईं जी ने कहा कि ये संत सिरताज श्री मैथिल चंद्र जी महाराज हैं। मैथिल चंद्र जी अर्थात जानकी मैया सीता जी। इसीलिए तो कोकिल साईं ने इनसे भी बड़ा सबसे बड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कोकिल साईं ने कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे श्री स्वामिनी जी सशोक विराजमान थे। लिखा है ना रामायण में, तह अशोक उपवन है, सीता बैठी शोक रत रही। वही प्रसंग वही भाव कोकिल साईं के मुख से प्रकट हुआ था कि अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे श्री स्वामिनी जी सशोक विराजमान थी। कोक शोक प्रद चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। उसी समय लोक शोकहारी श्री राम दशरथ नंदन परम अंकित प्रकाश परम प्रकाशमय दशरथ नंदन राम जी की मुद्रिका आ गिरी। जो मुद्रिका हनुमान जी लेकर गए थे, प्रभु ने दिया था ना, वही गिरी सम्मुख। श्री स्वामिनी जी ने पहचान कर हस्त कमल में ले ली और प्रियतम का नाम चूम चूम कर पूछने लगी, अही मुद्र के लक्षण निधि निष्कपट देवर लक्ष्मण के सहित श्री राम पदाम्बुज सकुशल तो हैं। ऐसा कहते कहते जो मुद्रिका की ओर देखा तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। जानकी मैया को उस मुद्रिका अर्थात अंगूठी में जो हनुमान जी ले गए थे उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखलाई पड़ा। ऐसी दिव्य चमकीली थी वो, भोले स्वभाव से उनके हृदय में इस भाव का आविर्भाव हो गया। ऐसा आविर्भाव हुआ भाव का कि प्राण प्यारे कौशल किशोर ही मेरे बिछोह में, जानकी मैया को लग रहा है कि मेरे बिछोह में मेरा ध्यान करते करते मेरे रूप बन गए, इसलिए मैं भी ध्यान करके श्री राम बनूं। झट महाराज परास्थान में दृष्टि की, प्रियतम के ध्यानावेश में धनुषधारी निर्भय श्री रामचंद्र रूप हो गई जानकी जी। संपूर्ण अशोक वाटिका इंद्रनील मणि के समान नीले आलोक से उद्भासित हो उठी। इतने में भक्त विभीषण की प्रिय पत्नी शर्मा
अपनी बेटी कला के साथ वहां आए। उन्होंने अशोक वाटिका को नीलद्युत देखकर समझ लिया कि सती गुरु जानकी जी श्री रघुनाथ का ध्यान करके तद्रूप हो गई है। समीप आकर के नमस्कार पूर्वक विनोद पूर्ण प्रार्थना करने लगी, जो विभीषण की पत्नी शर्मा जी है। वो प्रार्थना करते हुए कहने लगी, श्री स्वामी जो, मुझे ये भय होता है कि आप प्रियतम राम का ध्यान करके कीट भृंग के समान श्री राम स्वरूप हो गई हैं। अब परस्पर दाम्पत्य प्रीत कैसे बनेगी, क्योंकि वो भगवान श्री राम है और आप भी भगवान श्री राम हो गए, तो पति पत्नी वाली प्रीति दाम्पत्य प्रीति कैसे रह पाएगी अब। तो श्री स्वामी जी ने कहा, अरे शर्मिली सखी सुन, वे मेरा ध्यान करके मैं बन जाएंगे, अर्थात जानकी बन जाएंगे, और दाम्पत्य प्रीति बनी रहेगी। मैं राम बन जाऊंगी, वे सीता बन जाएंगे। मैं धनुष बाण धारण करके दुरात्मा दशानन का दमन करूंगी। जानकी मैया ऐसे बोली, रसिक सिरताज मिथिला अवध हृदय के महाराज, युगल सरकार का ऐसा विलक्षण अनुराग है, उनके ध्यान की हरियाली हृदय में न छिप कर बाहर ऐसी छा जाती है कि उसे दूसरे भी देख सकते हैं। जानकी मैया के ध्यान की बात कोकिल साईं ने इस प्रकार से सुनाया भक्तों। और एक बार की बात है, श्री भक्त कोकिल जी प्रातःकाल कराची के एक बगीचे में टहल रहे थे। भक्तों आप लोगों को पता ही है, कराची अब तो पाकिस्तान, उस समय भारत में था। तो एक भिखारी अवध की युगल सरकार का नाम जप रहा था। श्री स्वामी जी का युगल सरकार के नाम के प्रति बड़ा ही आदर, अदब और अनुराग था। वे कहते थे, कोकिल साई कहते थे, अब देखो भक्तों संतों का भाव कैसा विलक्षण होता है। कोकिल साई कहते थे कि युगल सरकार के नाम जपने का हर एक को अधिकार नहीं है। गहरी बात है उनकी महाराज। तो कहते हैं हर एक को युगल सरकार का नाम जपने का अधिकार नहीं है, इसके लिए हृदय का गहरा हृदय निर्मल अनुराग जल से लबालब भरा होना चाहिए। भिखारी के मुख से युगल राम युगल नाम सुन करके श्री स्वामी जी उसके पास आए, मिठाई दी और बोले कि इस नाम से तुझे क्या मिलेगा, जिसका नाम तू ले रहा है वे खुद ही वन वन डोलते हैं, फल फूल खाते फिरते हैं, वे तुम्हें क्या निहाल कर देंगे, उन्हें तो आशीर्वाद दो कि वो सुख से रहें। महाराज कोकिल साई का तो भाव ही अद्भुत था। उन्होंने कहा कि उनको आशीर्वाद दो कि वे सुख से रहें, वो तो वन का दुख पाप प्राप्त करते रहते हैं, इसलिए उनको सुख मिले इसका आशीर्वाद दो तुम। और कोकिल साई ने उस भिखारी से कहा, हरि नारायण ये कहो, वे विश्वंभर हैं, तुम्हें भर देंगे, तुम्हें भी भर देंगे, क्योंकि वो खुद भरे हुए हैं। तब से वो भिखारी हरि नारायण हरि नारायण जपने लगा, जबकि उसके पहले वो सीताराम जप रहा था। कोकिल साई ने उसको कह दिया, सीताराम को तो आशीर्वाद दो, वो सुखी रहे और तुम हरि नारायण जप करो। श्री भक्त कोकिल जी को कराची शहर बहुत अच्छा लगता था। क्यों न हो, नीला नीला विशाल समुद्र जो श्री लक्ष्मी जी का पिता एवं भगवान का ससुर है, अपनी तरल तरल तरंगों से उनका पांव पखारता रहता है कराची शहर का। कोकिल साई को बहुत अच्छा लगता था।
जिस समय भुवन भास्कर सूर्य भगवान से मिलने के लिए समुद्र में प्रवेश करने लगते हैं, उस समय अपनी अनुरागमयी रक्त रश्मियों का गुलाल इस प्रकार बिखेर जाते हैं कि जिसकी आंख में वो पड़ा हमेशा के लिए एक दाग छोड़ जाता है। कैलाश के उत्तम श्रृंग पर स्थित मानस की बेटी सिंधु नदी मनोवृत्तियों के प्रवाह के समान बहती हुई कराची के पार्श्व में ही समुद्र स्थित नारायण का चरण चुंबन करती है। सर्दी और गर्मी अधिक न पड़ने के कारण वहां का सम मौसम समतावान महात्माओं को भी अपनी ओर खींच लेता है। गर्मी के दिनों में श्री भक्त कोकिल जी प्रायः वहां जाकर रहते थे। समुद्र के तट पर टहलते हुए एक दिन भक्त कोकिल जी कहीं जा रहे थे। एक भोला भाला मनुष्य बिस्कुट बेच रहा था। वो कहता जाता था, बिस्कुट बहुत अच्छे, खाने में बहुत मजे। श्री भक्त कोकिल जी उसकी मधुर मधुर जो स्वर था ना बिस्कुट बेचने का, उनको कोकिल साईं को अच्छा लगा तो चित्त दया से द्रवित हो उठा। हृदय में उसके प्रति दया उत्पन्न हुई, क्योंकि कोकिल साईं तो महान भक्त पुरुष थे। उन्होंने सोचा, ये बिस्कुट बेचने में अपने स्वर को खर्च कर रहा है और बोल रहा है बिस्कुट बहुत अच्छे, खाने में बहुत मजे, तो उसका स्वर तो बहुत अच्छा लगा उनको कोकिल साईं को, और चित्त में दया आई तो सेवकों से बोले, इस मधुर कंठ से वो भगवान नाम लेता तो पुण्य भी होता और आनंद भी आता, खुद को भी आनंद आता और सुनने वाले को भी आनंद आता। अरे बिस्कुट बिस्कुट बोल रहा है, मतलब भगवान का नाम नहीं बोलता। तो उसको पास बुला करके बहुत से बिस्कुट ले लिए कोकिल साईं ने और उससे बोले, तुम अपनी अमृत भरी रसना से बिस्कुट बिस्कुट क्यों चिल्लाया करते हो? अरे बिस्कुट तो अच्छा नहीं, विष तो जहर होता है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हरिनाम बहुत अच्छा है, हरिनाम बहुत अच्छा है? तुम कहते हो क्योंकि ये बिस्कुट बहुत अच्छा है। अरे इससे अच्छा हरिनाम बहुत अच्छा है बोला करो। उसका बिस्कुट खूब ज्यादा मात्रा में खरीद लिया था महाराज जी ने और उसको समझा रहे हैं। अब बिस्कुट इतना उसका खरीदा था कि वो खुश हो गया था, इसलिए महाराज जी की बात को बहुत प्रेम से सुन रहा था। और महाराज कोकिल साई कह रहे हैं, बिस्कुट बहुत अच्छा है मत बोलो, तुम ये बोलो हरिनाम बहुत अच्छा है, जपने में बड़ा मजा है। और वो क्या बोल रहा था? वो कह रहा था बिस्कुट बहुत अच्छे, खाने में बहुत मजे। और कोकिल साईं ने उसको क्या सिखाया? बिस्कुट बहुत अच्छे, खाने में बहुत मजे, ये मत बोलो। बिस्कुट तो खूब ज्यादा खरीद लिया महाराज जी ने, और फिर बोलो तुम ये बोलो हरिनाम बहुत अच्छा, जपने में बहुत मजा, जपने में बड़ा मजा, हरिनाम बहुत अच्छा, जपने में बड़ा मजा, ये बोलो। बिस्कुट बहुत अच्छे, खाने में बहुत मजे, ये मत बोलो। हरिनाम बहुत अच्छा, जपने में बड़ा मजा, ये बोलो। महाराज फिर तो वो ऐसा ही कहने लगा, क्योंकि महाराज जी ने तो इतना सारा बिस्कुट उसका खरीदा था, उसका भाव इतना ऊंचा हो गया कि महाराज जी जो करें वही कहना चाहिए। अब वो बोलने लगा, हरिनाम बहुत अच्छा, जपने में बड़ा मजा, यही कहने लगा वो बिस्कुट बेचने वाला। लड़के उसके पीछे पीछे ऐसा ही कहते हुए घूमने लगे। अब उसका बिस्किट भी बिक रहा था और साथ साथ हरिनाम बहुत अच्छा, हरिनाम बहुत अच्छा, जपने में बड़ा मजा, हरिनाम बहुत अच्छा, जपने में बड़ा मजा। अब वो जब बोलता था ये, तो उसके पीछे पीछे बच्चे भी ये बोलते थे। बिस्कुट बिकने में कोई कमी नहीं आई, बिस्किट तो बिकता रहा उसका, और हरिनाम बहुत अच्छा,
जपने में बड़ा मजा। अब वो बोलता है तो बच्चे भी बोल रहे पीछे। और महाराज बिस्किट तो और पहले से भी ज्यादा बिकने लगा उसका, क्योंकि एक नए प्रकार का बिस्किट बेचने वाला लड़का दिखलाई पड़ा था। इसके अलावा और सब तो बिस्किट बिस्किट बोलते थे, बिस्कुट बेचने वाले, और ये एक अनोखा बालक ये बोल रहा था कोकिल साईं की सिखाई बात, हरिनाम बहुत अच्छा, जपने में बड़ा मजा, और हाथ में बिस्किट लिया हुआ तो बिस्किट खूब बिक रहे उसके, खूब ज्यादा और पहले से भी ज्यादा, और हरिनाम का रंग भी चढ़ गया उसके ऊपर, और उसके जीवन का स्वरूप बदल गया। वो बिस्किट बेचने वाला हरिनाम का प्रेमी बन गया, भक्त बन गया। कोकिल साईं की कृपा से कोई कमी नहीं रही उसके पास, संपन्नता भी हो गई और हृदय भी प्रेम रस से प्रभु के नाम के दिव्य प्रकाश से पूरा का पूरा आलोकित हो गया। एक दिन और बताऊं, एक दिन की बात, बगीचे में भगवत चर्चा हो रही थी। एक मनुष्य ने श्री स्वामी जी से पूछा, साईं साहब आपके सत्संगी लोग भगवान के लिए रोते क्यों हैं? अब एक बात बता दूं भक्त, मैं अपनी एक भक्ता है, नाम नहीं बता रहा हूं आपको, उनको कभी भी भक्त चरितावली सुनने से कितना ही सरस हो, कितना ही भाव भरपूर हो, उनकी आंखों में आंसू नहीं आती थी, रोती नहीं थी वो माता। वो एक भक्ता है, तो वो मुझसे भी बोली कि महाराज जी मैं कितना ही ये आपकी प्रेम भरी कथाएं सुनती हूँ लेकिन मुझे तो आंसू नहीं आते ना रोना आता है। ऐसी कई बार उन्होंने शिकायत की थी, पर अभी थोड़े दिन पहले वो आई थी, अब इतना रो रही थी कि बोली कि मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मैं रोती ही रहती हूँ, भगवान और भक्तों का चरित्र सुन करके मुझे इतना रोना आता है कि मुझे खुद आश्चर्य होता है कि पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, अब क्या हो गया मुझको। ये कन्हैया की जब कृपा होती भक्तों तो हृदय प्रेम रस से भर जाता है, तो रोना आता ही आता है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद वचन नयन बह नीरा। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि भगवान राम ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुण गाने से शरीर पुलकायमान हो जाता है, और गदगद वचन नयन बह नीरा, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है। यही बात थी कराची में, जो भक्त लोगों ने देखा था, तो भक्तों का दर्शन करने वाले जो प्रेमी लोग थे उन्हीं में से एक मनुष्य ने स्वामी जी कोकिल साईं से पूछा था कि साईं साहब आपके सत्संगी लोग भगवान के लिए रोते क्यों, वे बिछुड़े हुए हैं क्या? श्री स्वामी जी ने कहा, जीव बिछुड़ा हुआ नहीं है सो तो ठीक, परंतु मेरे प्यारे भाई मिलने का भान भी तो नहीं होता। जब पहले अपने को बिछुड़ा हुआ समझेगा तब मिलने का आनंद ले सकेगा, क्योंकि हम मिले हुए तो वेदांत की बात कह देते हैं लोग, लेकिन मिलने का भान तो होता नहीं। जब मिलने का भान नहीं होता है तो मिलने का भान जब तक नहीं होगा तब तक तो रोना ही पड़ेगा, और उसके लिए बिछुड़ा हुआ अपने को मानेगा तब मिलने के लिए आतुर होगा, और रोना आएगा तब मिलेगा वो। और पहले बिछुड़ा हुआ समझेगा अपने को भक्त, तब मिलने का आनंद ले सकेगा। जैसे धूप के बिना छाया का आनंद नहीं आता, जो कभी धूप में नहीं गया है वो हमारा
पेड़ की छाया का आनंद नहीं जानता है। वैसे ही विरह के बिना मिलन का आनंद नहीं आता। कोकिल साई ने कहा, बिछोह और मिलाप ये दोनों भक्त की अवस्थाएं हैं। दोनों ही अवस्थाएं भक्त की होती हैं, बिछोह और मिलाप। भगवान हैं ऐसा तो सभी मानते हैं, परंतु उसमें मजा क्या है, आनंद क्या है, रस क्या है, जब मिलने की व्याकुलता हो, मिलने का अनुभव हो, तभी पता चलता है। तभी तो मजा है, तभी तो आनंद है, तभी तो रस है। किसी ने सुन लिया कि दीवार के पीछे सोने का पहाड़ है, इससे क्या होगा, उसे व्याकुल होकर प्राप्त करना चाहिए ना। कहीं भी बहुत सरस वस्तुएं भरी पड़ी और पता चल गया है, लेकिन जब तक मिलता नहीं तब तक क्या रस मिलेगा। इसलिए व्याकुल होकर उसको प्राप्त करोगे, जब रसास्वादन करोगे तभी तो आनंद मिलेगा। इसलिए बिछोह का अनुभव करो, तब मिलन का सुख मिलेगा। कोकिल साई ने बताया। वह तो बहुत सारे प्रश्न भक्तों के होते थे और हृदय इतना भरा हुआ कोकिल साई का कि सबका बहुत भाव भरा उत्तर देते थे। भक्तों के प्रश्न और कोकिल साई के उत्तर सत्संग के मोती हैं। उनका आनंद, उनका दर्शन, उनका आस्वादन आगे आप और करेंगे, किंतु आज महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।